मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की बैठक, आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। वैष्णव मंडल जयपुर द्वारा लक्ष्मीनारायण बिरला मंदिर में फाग उत्सव का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने लिया भाग। बारा के कापरेन में अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। दौसा में जिला अभिभाषक संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न, बार संघ के अध्यक्ष सहित संपूर्ण कार्यकारिणी को दिलाई गई शपथ। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बुडापेस्ट से हिडन एयरबेस पहुंचे एयरक्राफ्ट में राजस्थान के 9 विद्यार्थी शामिल, यहां से उन्हें उनकी सुविधा के अनुसार भेजा जाएगा राजस्थान। प्रदेश में आज 173 नए कोरोना संक्रमित मिले, दौसा में एक संक्रमित की हुई मौत, 361 मरीज हुए ठीक, 2751 अभी भी है एक्टिव मामले। बारा में राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न, बैठक में अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए जयपुर जाने का लिया गया निर्णय। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का हुआ समापन, प्रदर्शनी में देश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में श्री नारायण मानव सेवा समिति की ओर से नारी शक्ति सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, 8 महिलाओं को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर में कैंसर जागरूकता पर वेबिनार का आयोजन, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर हैदर अली जैदी ने मानसिक दबाव में रहने वाली महिला पुलिस कर्मियों को जीवन शैली में सुधार के दिए टिप्स। धौलपुर के धनोरा ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनाया गया सुपोषण दिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण पर करी गई चर्चा। भारतीय स्टेट बैंक के फाउंडेशन के सहयोग से जैसलमेर में संचालित ग्राम सेवक परियोजना का मोकला ग्राम में किया गया शुभारंभ, इससे ग्रामीणों को मिलेगी कई सुविधाएं। जवाहर कला केंद्र में कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल रस रंगम का किया उद्घाटन, 13 मार्च तक चलेगा ये फेस्टिवल। जोधपुर के सरदार राज के संग्रहालय में महात्मा गांधी के जीवन व कार्यों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का हुआ भव्य शुभारंभ, देशी विदेशी पर्यटकों ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। और क्रिटिकल केयर एंड कोविड-19 ए कॉम्पेडियन पुस्तक का एक निजी अस्पताल में किया गया विमोचन, डॉक्टर SS अग्रवाल ने पुस्तक में कोविड के बिगड़े हुए मामलों की केस हिस्ट्री है समाहित।